नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप राजगीर जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, इसलिए यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे राजगीर के नेचर सफारी की, लेकिन इससे पहले मैं आपको राजगीर की कुछ और भी खास बातें बताती हूँ। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सुंदर रिजॉर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, लेकिन खासकर बौद्ध धर्म से इसका प्राचीन संबंध है। अगर आपको पहाड़ों पर घूमना, धार्मिक जगहों का दर्शन करना ये सब पसंद है तो आपके लिए बिहार का राजगीर एक सुंदर विकल्प हो सकता है। राजगीर में देखने के लिए आपको बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल मिल जाएंगे, जिसमें से मैं आपको 10 ऐसे पर्यटक स्थल के बारे में बताऊंगी जहां आप जरूर जाएं, जैसे राजगीर पर्यटन, विश्व शांति स्तूप, आजाद शत्रु स्तूप, स्वर्ण भंडार, पिपला हाउस, वैनुवन विहार, पांडू पोखर, जरासंघ अखाड़ा, राजगीर शहर की दीवार, घोड़ा कटोरा लेक आदि। और हम बात करेंगे अब राजगीर नेचर सफारी के इनॉग्रेशन, इसके निर्माण में आए लागत, इसकी सुंदरता और उसके आकर्षण केंद्र के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 26 मई यानी दिन शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर नेचर सफारी का इनॉग्रेशन पूरा किया गया। राजगीर की पहाड़ियों के बीच 500 हेक्टेयर में बने इस नेचर सफारी की कुल लागत 19 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेशन के दौरान कहा कि नए जनरेशन के लिए यह एक बड़ी सौगात है, यहाँ आप अपने जीवन के रोमांचक पल व्यतीत कर सकते हैं। ये बिहारवासियों के लिए गर्व की बात होगी कि यह देश की पहली नेचर सफारी है जहाँ सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। 8 किलोमीटर में फैले इस नेचर सफारी की आकर्षण के केंद्र बिंदु क्या क्या है और वहाँ जाकर मनोरंजन के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, अब वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, ग्लास स्काई वॉक। पहाड़ की चोटी पर हवा में लटके रहने वाला 40 मीटर लंबा स्काई वॉक सहज ही आपको आकर्षित करेगा। दूसरा, सस्पेंशन ब्रिज। ग्लास स्काई वॉक से थोड़ी ही दूर पर दो पहाड़ियों के बीच सस्पेंशन ब्रिज बना है, इससे पर्यटक एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर लौट सकेंगे। तीसरा, जीप लाइन। नेचर सफारी में 800 मीटर लंबे जीप लाइन का निर्माण कराया गया है, जिसमें केबल तार पर लटककर एक छोर से दूसरी छोर और वहां से तीसरे पॉइंट पर लौट सकेंगे। चौथा, जीप लाइन साइकिल। इसमें केबल पर साइकिल चलाते हुए आप एक छोर से दूसरी छोर तक जा आ सकेंगे। पांचवा, नेचर कैंप एरिया। इसमें वॉकिंग ट्रैक, बंबू हट और बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था की गई है। बच्चों को दीवार के सहारे पहाड़ पर चढ़ने के लिए वॉल क्लाइंबिंग को भी डेवलप किया गया है। छठा, शूटिंग और आर्चरी रेंज। बच्चों के लिए तीरंदाजी और शूटिंग की भी व्यवस्था की गई है। सातवा, नेचर ट्रेल। जंगल में घूमने के लिए 8 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल बनाया गया है, इसके तहत साइकिल ट्रैक बना है। आठवा, बटरफ्लाई और कैक्टस गार्डन। नेचर सफारी के अंदर आपको बटरफ्लाई और कैक्टस गार्डन का लुत्फ उठाने को मिल जाएगा। और अंत में सभी जगहों से घूमने के बाद आप कैफेटेरिया में बैठकर तरह तरह की डिशेस का स्वाद लेकर अपनी सफ़र की थकान मिटा सकते हैं। और इसके बाद मई में ही नेचर सफारी के बगल में जू सफारी भी खोल दी जाएगी, जिसका लगभग काम पूरा हो चुका है। तो इस गर्मी कोरोना से बचते बचाते लीजिए राजगीर की नेचर सफारी का भरपूर आनंद। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।